स्वागत है आपका एनके क्लासेस में। आज हम क्लास नाइन्थ की साइंस का चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ इनर्शिया। सो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि जब भी कोई बॉडी रेस्ट में रहती है तो रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया हो। लॉ ऑफ इनर्शिया को न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। सो एनीबॉडी एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज दैट स्टेट। कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन ऐसा फोर्स है जो कि अपोज करता है मोशन को, मीन्स ये अपोजिट डायरेक्शन में लगता है मोशन के। जो वॉकिंग होती है वो किसके कारण होती है? फ्रिक्शन के कारण होती है। सो फ्रिक्शन एक अपोजिट फोर्स होता है। ए फोर्स कम्स इनटू एक्शन विच एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ ए बॉडी, दिस अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन क्या है? अपोजिंग फोर्स। कम टू द थर्ड क्वेश्चन, स्टेट न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जो भी रेट होता है चेंज मोमेंटम का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, और वो चेंज करता है कहाँ पे? इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, डिफाइन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। सो मोमेंटम कैसे डिफाइन होती है? मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का। सो मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, और इसको कैसे डिनोट करते हैं? पी से। कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन, स्टेट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि कोई भी एक्शन होता है तो उसका हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर हम वॉल पे फोर्स लगाते हैं तो वो हमें पीछे की तरफ धकेलता है, मतलब वो एक अपोजिट रिएक्शन देता है, और कितना रिएक्शन देगा? जितना ही हम उस पे क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। तो ये क्या होता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कम टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि जो टोटल मोमेंटम है सिस्टम का वो क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट रहेगा, मीन्स जितना इनिशियल था उतना ही क्या रहेगा? वो फाइनल रहेगा। ये मोमेंटम कहाँ पे अप्लाई होता है? जैसे कॉलिजन होता है बॉल्स का तो वहाँ पे अप्लाई होता है, रॉकेट का प्रिंसिपल होता है वहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है। कम टू द सेवंथ क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म इनर्शिया। सो इनर्शिया क्या है? टेंडेंसी होती है बॉडी की जो कि उसको रेस्ट में रखती है या तो फिर उसको मोशन में रखती है। द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। एट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज यूनिट ऑफ फोर्स। सो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और इसको डिनोट कैसे किया जाता है? एन से। कम टू द लास्ट क्वेश्चन, नेम द प्रिंसिपल ऑन विच ए रॉकेट वर्क्स। तो अभी हमने देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मीन्स जो आपका टोटल मोमेंटम होता है वो क्या रहता है? कॉन्स्टेंट रहता है, इनिशियल जितना मोमेंटम होगा उतना ही कितना होगा? फाइनल का। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।